हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे लग्जमबर्ग में जॉब्स को लेकर के। बहुत लोगों का क्वेश्चंस था कि हम लग्जमबर्ग में जॉब जब सर्च कर रहे हैं तो कोई भी वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम कैसे अप्लाई करें। अगर आपका भी इरादा हो फ्री में लग्जमबर्ग में जॉब लेने का, फ्री में लग्जमबर्ग में वर्क परमिट लेने का, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे आप जॉब ले सकते हैं। मैं आपको ले चलूंगा मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां आपको मैं दिखाऊंगा कि आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एजेंसी के थ्रू जाएंगे दोस्तों, तो आपको लगभग 7 से 8 लाख रुपया खर्च करने होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ्री में जॉब मिल जाता है। कुछ ही पैसा आपको खर्च करने होते हैं जब आप VFS में जाते हैं या फिर एम्बेसी में जाते हैं, तो एम्बेसी का चार्ज आपको पे करना होता है, अन्यथा आपका कोई खर्च नहीं होता है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी ये पूछती है कि भाई आप एक साइट का टिकट कर लीजिए, जैसे आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं फिर आपका टिकट रिएम्बर्स हो जाएगा, तो उस दौरान आपको टिकट भी खुद से लेना होगा, अन्यथा मैक्सिमम क्या होता है, कंपनी खुद टिकट ऑफर करती है दोस्तों। अगर नहीं भी दिया तो जैसे आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं आपको आपका टिकट का पैसा रिएम्बर्समेंट मिल जाता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपका सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाने वाला है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए ऑन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और आप वीडियो का फायदा उठा सकें। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं लग्जमबर्ग के बारे में दोस्तों, या जानने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उत्साह बढ़ जाता है कि लग्जमबर्ग एक सबसे अमीर कंट्री है, और इस कंट्री का अगर हम सैलरी की बात करें तो मिनिमम 2.5 लाख से शुरू होता है। जहां पर जिस कंट्री में अगर आपका शुरुआती सैलरी 2.5 लाख हो, समझ सकते हैं वहां का लाइफ स्टाइल कैसे रहेगा। अब जब एज ए फॉरेनर सब वहां पर जाते हैं तो आपका लाइफस्टाइल कितना चेंज होने वाला है दोस्तों। हालांकि देखिए, जहां पर जितना ज़्यादा इनकम होगा वहां पर उतना ज़्यादा खर्चा भी होता है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल तो चेंज हो जाएगा। घर की बात करें, ठीक है, कुछ भी बात करें आप लाइफस्टाइल की, हर कुछ चेंज होने वाला है। हालांकि एक बात अच्छी है लग्जमबर्ग में, एजुकेशन फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, यानी कि फ्री इन द सेंस गवर्नमेंट मुहैया कराती है दोस्तों। अगर आप कोई भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, तो सारा फ्री है। प्राइवेट में फ्री नहीं है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पब्लिक सेक्टर का। अगर आप पब्लिक सेक्टर का कोई भी चीज़ इस तरह का इस्तेमाल करते हैं या आप हेल्प लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बस बैठे ट्रेन चले गए, वहाँ उतर गए, देख के वापस फिर ट्रेन बैठे घर आ गए। ठीक है, मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, गया हॉस्पिटल में, अपना रजिस्टर कराए, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका सब कुछ फ्री हो जाता है, राइट। एजुकेशन, आपके बच्चे अगर हैं, बच्चे एजुकेशन जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो उनका एजुकेशन फ्री हो जाता है। तो आपका जो भी टेंशन एक रहता है, आप समझ सकते हैं, टेंशन दूर हो जाता है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आपको मैं ले चलता हूँ कि आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको मैं ले चलता हूँ कुछ वेबसाइट में, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं और फ्री में आप जॉब ले सकते हैं। हालांकि इसका जो प्रोसेस थोड़ा लंबा टाइम लगता है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रख करके अप्लाई करना होगा, तभी जाकर जॉब मिलता है। जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, जैसे कि PCC आपका होना चाहिए, CV एंड कवर लेटर, ठीक है, आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, फिर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर कंपनी का HR आपको गाइड करता है कि आपको और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है, फिर आप फॉलो करेंगे, फॉलो करते करते जाएंगे, आपका जॉब हो जाएगा, फिर आप जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो वेबसाइट जिसके मदद से आप लग्जमबर्ग में जॉब ले सकते हैं, इसका नाम है जॉब फाइंडर। ठीक है, आप भली भांति देख सकते हैं, वेबसाइट है जिससे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, jobfinder.lu। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको आएगा जॉब्स, ब्लॉग एंड रिक्रूटर। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ठीक है, पोर्चुगीज, और ये जो है दोस्तों, ये जो लैंग्वेज है इसमें आपको इंग्लिश टाइप करना है, मतलब सिलेक्शन करना है, ताकि आपको समझ में आए। फिर आपको रजिस्टर कर लेना है, रजिस्टर करने के बाद जैसे आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा आपका ईमेल पे, फिर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
सबसे पहले दिखाता हूँ आपको मैं परमानेंट जॉब कितना है, 406। ये एक वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ मैं, ऐसे कई वेबसाइट हैं जिसके मदद से आपको यहाँ पर कई हजार जॉब देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। फिक्स टर्म 18 नंबर्स है, फ्रीलांसर एक है, स्टूडेंट जॉब बिल्कुल नहीं है और अदर्स दो है, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं फिल्टर करने के लिए है ये। वर्किंग टाइम फुल टाइम चाहिए या पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो दोनों अवेलेबल है। कैटेगरीज में आपको जाना है, आप कौन सा कैटेगरी जॉब करते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे परचेज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्रीकल्चर नेचर है, फूड इंडस्ट्री है, आर्किटेक्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, क्राफ्ट है, मेडिकल असिस्टेंट है, एक्सेसरीज है, इंश्योरेंस, ऑडिट, ऑटोमेटिव, तो इस तरह का तमाम जॉब आप नीचे नीचे जाएंगे आपको मिलते जाएगा। जिस कैटेगरी में आपका प्रोफाइल मैचिंग करता है उस कैटेगरी में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तमाम कैटेगरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए तमाम कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और सारा कैटेगरी में आपको जॉब मिल जाएंगे। तो आप अपना पहले कैटेगरी चूज कर लीजिए, फिर आपको राइट साइड तरफ आपको मिल जाएंगे। एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एजुकेशन, एजुकेशन अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो देखिए सारा एजुकेशन के बारे में जितना जॉब्स वैकेंसी है वो आ गया सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं परमानेंट जॉब, तो परमानेंट जॉब ये फिल्टर हो गया, ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा। लेट्स से अगर हमको यहाँ पर जाना है दोस्तों HVAC में, ठीक है, अगर हमको HVAC में जाना है तो दिखा देगा परमानेंट जॉब है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ही है, ठीक है, वैकेंसीज आपको सामने दिख रहा होगा। और दोस्तों एक और जॉब यहाँ पर हम ले लेते हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, इसमें हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम दोनों प्रकार का जॉब आपको देखने को मिल गया। अब इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सा जॉब में आप जाना है, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव का जॉब में जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने से ये देखिए कब ये पोस्ट हुआ है जॉब, सब कुछ आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगा। ये जॉब परमानेंट है, ठीक है, ये कंपनी, ये जॉब्स है, ये कंपनी का नाम है, पब्लिश्ड हुआ है 20/11 यानी कि 20 नवंबर को ये जॉब पब्लिश हुआ है। एक्सपीरियंस इसमें 2 से 5 साल का। एजुकेशन लेवल चाहिए जनरल और टेक्निकल सर्टिफिकेट लाइक ITI वगैरह जो भी आपके पास है तो इसमें चल जाएगा, ठीक है। फिर ये जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हर समय देखना है लैंग्वेज दोस्तों, लैंग्वेज में आपको जाना है इंग्लिश, और उसके बाद आप जब जाते हैं तो आपको डिटेल्स में पढ़ने को मिल जाएगा, फिर आप नीचे जा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको रिप्लाई आ जाता है दोस्तों ऑन योर ईमेल कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया है, बहुत जल्द आपका हम इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा जॉब देखते हैं, इस तरह कई जॉब आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें सब कुछ रहेगा, आपका सैलरी रहेगा, आपका ड्यूटी आवर्स रहेगा, परमानेंट है या फिर पार्ट टाइम जॉब है वो भी बताएगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों इसमें। तो लेट्स से इसमें अगर हम जाके देखते हैं कैटेगरीज में, हमने दो कैटेगरी चूज़ किया था, मान ले जाए इसमें अगर हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जॉब लोकल को ज़्यादा मिलता है, फॉरनर्स को ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। तो फॉरनर्स अगर आप हैं, उस देश से नहीं हैं, बाहर से हैं आप, थर्ड कंट्री से हैं, तो आप ज़्यादातर इस तरह का जैसे HVAC है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, IT से नहीं मिलेगा ज़्यादा जॉब्स, ओके। इसके अलावा जैसे है दोस्तों फूड सर्विस, इसमें आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। हेल्थ एंड केयर, इसमें आपको जॉब मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट HR में बहुत कम जॉब मिलता है। कस्टमर सर्विस में भी मिलने का चांसेस हैं। सिक्योरिटी में मिल जाएगा आपको जॉब्स। स्पोर्ट एंड लीजर में मिल जाएगा। सोशल सर्विस में जॉब मिल जाता है। टूरिज्म एंड ट्रैवल में जॉब मिल जाता है। मैं सिर्फ एक ही वेबसाइट के बारे में बात करूँ, सर तमाम डिफरेंट वेबसाइट है जिसका डिटेल्स मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर देख लीजिएगा, और उसमें सब में से रिसर्च करेंगे आप तो आपको जॉब मिलना तय है। अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं तो हाँ, लेकिन अगर आप कोई एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं दोस्तों तो 7-8 लाख रुपये आपको खर्च करना होगा और आपको आसानी से जॉब मिल जाता है, ठीक है। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट भी लोकल को ज़्यादा मिलता है, फूड इंडस्ट्री, इसमें आपको जॉब मिल जाएगा। तो इस तरह का तमाम जॉब है, जैसे एग्जांपल एजेंट कस्टमर केयर, अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ये आज 27 नवंबर है, ये आज ही पोस्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं, परमानेंट जॉब है, फुल टाइम वर्क है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, कस्टमर सर्विस का है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड सेक्रेटरी एंड रिसेप्शन में रहने का काम है ये, ठीक है। एजुकेशन लेवल जो है जनरल एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट्स, वही अगर आपके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारे डिटेल्स दिया गया है, जब आप इसमें लॉगिन करेंगे फिर इंग्लिश डालेंगे तो नीचे का जो भी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों वो सब इंग्लिश में आ जाएगा। तो आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो आपको डिटेल्स में दिखेगा। मैंने जस्ट सोचा कि आपको दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर हमको पता नहीं चल रहा है कैसे अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कंपनी का डिटेल्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद ही आप जॉब यहाँ पर अप्लाई
कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि लक्जमबर्ग में जाने के लिए आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सा जॉब अवेलेबल रहता है। आपको मैंने दिखाया है कि अगर कोई भी वेबसाइट का लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे दोस्तों, तो आपको सारा कैटेगरी का जॉब मिल जाएंगे और जो कैटेगरी का जॉब आपके ऊपर सूट करता है आप उसी में अप्लाई करें ताकि आपको फायदा हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको मेरा कोई डाउट्स कोई दुविधा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।